जय हिंद दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम दो नए वर्ड को जानेंगे, पहला है सेंसेक्स, दूसरा है निफ्टी। इन दो वर्ड की मदद से हम कुछ और अच्छे अच्छे शब्द भी जान लेंगे। ठीक, तो समझते हैं कि देखो इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं वो दो तरह के मार्केट में लिस्टेड होती हैं, पहला है NSE, दूसरा है BSE। NSE का मतलब क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे ही BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE के अंदर क्या है? इंडिया की टॉप 50 कंपनी। कितनी? टॉप 50 कंपनी जो कि 12 सेक्टर्स में अलग अलग काम करती हैं। अलग अलग मतलब 12 सेक्टर्स होता है, हर सेक्टर में अलग अलग कंपनियों को, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग कंपनियां लेकर के टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स तैयार किया गया है। जैसे आप अपनी बुक के अंदर देखते हो ना, लिखा रहता है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, इसी तरीके से निफ्टी यानी कि NSE के अंदर इंडिया के जो टॉप 50 कंपनियां हैं उसी इंडेक्स को निफ्टी कहा जाता है। पूरा अगर बोले तो निफ्टी 50 यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 कंपनियां, ये इंडिया के जो टॉप 50 कंपनियों को रिप्रेजेंट करता है। इसकी जो बेस वैल्यू रखी गई है वो 1000 रखी गई है। ठीक वैसे ही जो BSE मार्केट है वहाँ पे जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं तो वहाँ के जो टॉप 30 कंपनियां होती हैं, है ना, उनके इंडेक्स को ना सेंसेक्स कहा जाता है। सेंसेक्स का मतलब सेंसिटिव इंडेक्स, इसका अगर पूरा फुल फॉर्म देखो तो टॉप 30 कंपनियां जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती है उन टॉप 30 कंपनियों का जो इंडेक्स होता है उसी को सेंसेक्स कहा जाता है। और वैसे ही निफ्टी के अंदर NSE की टॉप 50 कंपनियां जो कि 12 सेक्टर में अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं उनका जो इंडेक्स होता है उसको निफ्टी 50 कहा जाता है।